अभिजीत क्या किया सुबह से यार? क्या किया कुछ? क्या की नहीं किया कुछ आज? क्या है सर? थोड़ा माइक के पास आगे बोलो, माइक के पास आगे बोलो। 2500 रुपए प्रॉफिट है। 500 रुपए? 2500 रुपए। ओके दीपक मंदियान जी फटाफट। तो सुबह का ये वो ट्रेड था जो प्रॉफिट में गया, अभी तो इसमें अटके हैं कॉल में 1500 की। मतलब अटके हो 1500 में? अच्छा वो शॉर्ट में बैठे हो? हाँ जी सर। इमोशनल क्यों रहे हो? 1500 का सपोर्ट है सर, आप सपोर्ट को शॉर्ट कर रहे हो। इमोशनल क्यों हो रहे हो सर? 950 सपोर्ट है, 900 सपोर्ट है, अब 16000 सपोर्ट बन गया समझ लिए। ये ट्रेड आपके बहुत अगेंस्ट जा रहा है सर। कितना क्वांटिटी ज्यादा है क्या? नहीं नहीं सर, एक लॉट। तो फिर क्यों इमोशनल हो रहे हो सर? रखे रहो, निकाल दूं? नहीं सर, क्यों रखे रहो सर? बाजार में जब आपको पता है शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, ऊपर की तरफ पोजीशन शिफ्ट हो रही है, तो क्यों रखे रहो सर? सवित्री मैडम चौका चक्का, व्हाट इज द T20 स्कोर? Sir, something I'll get, something I'll lose. I didn't lose today. Okay. My losing is coming down, correct? Okay. Okay. 3, 4, 1 minute. Still into positions, huh? 23. Okay. Calculation bada hai bas. 23 ho gaya. 23 ho gaya? Okay. Yeah. 23,000. Good. Very good. Fantastic. Sachin Salunke. Haan, sir. 250 rupees. Okay. Ashish Mudgal ji. सर 1400 1400 रुपए, बहुत शानदार। शादीराम जी अनम्यूट करो सर, अनम्यूट। 2250 सर। 2250, चलो वेरी गुड। हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा जो लोग बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं। बिजन व्हाट इज द स्कोर? आज कुछ किया नहीं, बस देख रहा था। ओके, थोड़ा सा काम था तो इसलिए इधर उधर। स्कोर कुछ किया कि नहीं अभी तक? कुछ नहीं किया। हाँ किया सर, 300। 300 क्या, 300 कुछ होता है यार? 300 अभी बीच में आ रहा हूँ, ऐसे आके पोजीशन 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 लिया क्या दोबारा? लेने गए थे तुम? नहीं, 56 पे डाल के छोड़ दिया है रिट्रेसमेंट। छोड़, वो भी छोड़ दिया 55 हमारे सामने आया, मजाक करते बैठ के तुम? नहीं 60 जा चुका था इसलिए। 50 आया था, वापस 62 है। नहीं तुम सर, रिट्रेस नहीं हुआ अभी तक। तुम सोचते ही रह गए सर। ट्रेड? हेलो सर, सचिन बोल रहा हूँ। यस सचिन भाई बोलिए। सर ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है 16200 का? मेरा मूड है दोस्त, मेरा मूड है रिस्क लेने का, क्योंकि हमने लिया हुआ है 58 लिया है। हाँ ठीक है, मेरा मूड है रिस्क लेने का। ठीक है सर, कैलकुलेटेड रिस्क है, थोड़ा सा लेके देखते हैं। कोई बता लग रहा है मुझे कल जैसा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, जैसा ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, जैसा मार्केट का डेटा फॉर्म हो रहा है, डेटा का फॉर्मेशन मुझे एक हिंट दे रहा है कि 16300 तक का खेल बहुत जबरदस्त। अभी 65 चला गया सर। संतोष बिट लगा रहा था मैं, वो एक लॉट संतोष को दे दो प्लीज। ले लिया सर, ले लिया। नो नो, ही वाज आस्किंग व्हाट हैपेंड नाउ। 67 सर, स्विच्ड ऑफ योर कैमरा। 67 गाइस, बुक योर प्रॉफिट जिसको बुक करना है। मनीषा जी अभी तो आपने, मनीषा जी सुबह से कुछ किया हुआ है? व्हाट इज योर स्कोर सिंस मॉर्निंग? 680। दोबारा मौका मिलेगा तो इसमें ले लेना प्लीज, ठीक है ना। सदाशिव आज का स्कोर क्या दोस्त? सर सुबह बताया वही टोटल मिला के, सब कुछ मिला के 25-24, 4-4-4-9। गुड सर, मोटा मोटा 5000 रुपए। ठीक है सुनील भट्टी जी। यस सर, सर सर, और उसके बाद भी जबरदस्त मूवमेंट मिला था सर बैंक निफ्टी में। बहुत बढ़िया सर। लक्ष्मी? मैं कुछ नहीं, प्रिपेयर ट्रेड किया। यस लक्ष्मी। रिलायंस लिया था मैंने, और ये व्हाट इज दैट, न्यूब्लेन फूड। ओके गुड। टोटल स्कोर 250। कितना लिया था? कितना लिया था जी? इक्विटी कर रहे हो आज? हाँ इक्विटी। चेतन भाई आप बता दीजिए। चेतन पटेल, मेरा 500 रुपया प्रॉफिट है। क्या बता, आज भी हल्के बैठे हो? हाँ जी सर, आज ज्यादा ट्रेड नहीं लिया मैं, बस वॉच कर रहा था इसीलिए। वॉच कर, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लर्निंग अर्निंग में से क्या किया आज? सर मैंने आज दो निफ्टी बेची थी और दोनों हाँ। नीचे ली थी सर, ये दो काम किए थे। बहुत बढ़िया। कितने बनाए आज, कितने बनाए सर? 1450। चलो सर वेरी गुड, थैंक यू। ओके अरविंद, हजार सर पहुंच गया क्या? चेतन जी हजार पहुंच गया? हाँ हजार पहुंच गया। चलो बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। संदीप कुमार गुड। ओम जादव, हाँ। क्या क्या रहा दो तीन दिन का एक्सपीरियंस, कैसा है आपका? अच्छा था सर, आज 1367 हुआ। अच्छा 1367 रुपए बनाए, क्या बात है। आप लोग सब क्लैपिंग हो जाए भाई ओम के लिए प्लीज।
when a youngster is playing on the front foot, it means a lot. Fantastic. सर वो BTS ट्रेड भी लिया है 60 रुपीस को. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. कितने दिन से काम कर रहे हो? कितने काम कितने दिन से कर रहे हो? हम वो संतोष अभी सोच ही रहा है. संतोष अभी सोच ही रहा है आप लेके बैठे सर 6-7 महीने हुए थे पर बीच में बंद किया था. फिर से मैंने थोड़ा सा लॉस हुआ था इसके वजह से. फिर वो आपके इस पे फिर चालू किया है. ओके ज्वाइन करने के बाद. चलो ऑल द बेस्ट ओम. थैंक यू सर. पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे यंग हो आपके सवाल सबसे ज्यादा होने चाहिए. हां यस सर. ठीक है आप पूरे दिन भी सवाल नहीं पूछते ये मुझे पसंद नहीं आएगा. ठीक है फ्रॉम मंडे सर आई विल फ्रॉम मंडे. फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक. थैंक यू थैंक यू. एंजॉय. थैंक यू सर. त्रिगुप्ता गुप्ता चलिए आप आ गए तो आप बताइए. अभी उस टाइम मैं लर्निंग भी कर रहा था. अभी बीच में थोड़ा अर्निंग भी कर रहा था. ऐसा नहीं है तो 1000 रुपीस का मेरा हुआ था. लास्ट मिनट लेट्स गो एंड फेस द म्यूजिक एंड हियर इज द म्यूजिक. लाल कैंडल बताओ जाते जाते क्या करेगी. कोई नहीं बुलेट डर रहे. बताओ बताओ क्या करना है. पोजीशन लेके जानी काट के अंजलि बताओ. सर ले चुके हैं अब तो कुछ नहीं करना. सर ले लिए ले लिए. हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. जैसा कल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है जैसा बाजार कल चला है करेक्ट. ये जो इंडिकेशन है यही है कि बाजार सारी खबरों को डिस्काउंट करके अब बाजार चलने के मूड में लग रहा है. जैसे कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी चलेगी कल नहीं चली. हो सकता आज चले. आज सीधा 250 पॉइंट ऊपर है. कल चले कल चले कल नहीं चले. कल जो गेम दिखाई दे रहा था मुझे मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ बैंक निफ्टी के चलने का टाइम आ गया क्योंकि कल एक्सपायरी थी तो उसने उसको होल्ड कर दिया. बट टुडे इट इज रनिंग. चलना चलना चालू हो गया. बाजार के सिम्टम अच्छे हैं. ठीक है बाजार में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है. कल भी दिखाई दे रही थी हमको आज भी दिखाई दे रही है. अभी सुबह सुबह बस जय जगन्नाथ जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. एक टाइम के लिए 40 पॉइंट लेके बुक कर दिया है. ठीक है सर. ठीक है. गुड मॉर्निंग. शगुन तो करें. नहीं ठीक है शगुन करना बहुत जरूरी है सुबह से. अभी जो सुबह का बाजार चालू हुआ है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड गुड मॉर्निंग सर. यस गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सुबह सुबह का जो मार्केट हमें दिखाई दे रहा है वो बाजार ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि यस There is some buying coming, right? Buying आ रही है और early trader profit book करते रहिए. जो कल लेके गए थे positions, जो निफ्टी कल कैरी किए थे प्लीज बुक positions. किस किसने निफ्टी कैरी किया था बता सकते हैं? बैंक निफ्टी निफ्टी अगर किसने भी किया था. दीपक जी ने किया है. एक्सेप्ट दीपक जी. बैंक निफ्टी किया सर. 4000 profit. ओके गुड सर. वेरी गुड. Very good. Anybody else? कल हमें दिख रहा था बाजार चलते चलना चाहिए. कल नहीं चला. कल एक्सपायरी प्रेशर से नहीं चला राइट. सब कुछ खराब होने के बावजूद भी डॉलर इंडेक्स हाई होने के बावजूद भी क्रूड ऑयल कंट्रोल में ना होने के बाद भी सब चीजें चले. I think it is a operator game sir. Yes sir, it is a operator game sir. Okay, Yashwant is not following any trend, not following any Nothing. ऐसे ही होता है सर. इसीलिए एक्सपायरी पे जो मतलब मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स है वो स्टे अवे फ्रॉम एक्सपायरी. यही वजह रहती है क्योंकि सौदे कटने होते हैं सौदे स्क्रैप करने होते हैं यहाँ से वहाँ उल्टी पुल्टी पोजीशंस बनती हैं. तो एक्सपायरीज को थोड़ा अवॉइड भी करते कोई बड़ी बात नहीं है. बट एक्सपायरी को हम इसलिए वॉच करते हैं ताकि उसमें लर्निंग समझ में आए कि एक्सपायरी में हमें क्या नहीं करना है राइट. So yes, it is a good morning to everyone. We are watching market life. और बाजार में जैसा अभी शुरू के 3 मिनट का जो गेम दिखाई दे रहा है वो यही है कि बाजार में जो कल माल लेके गए थे उसकी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट है और ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक जानी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है और कहाँ से बाजार वापस आना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट. तो प्लीज कमेंट को ध्यान से सुनिएगा. बाजार कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ से वापस आना चाहिए. तो 16000 के ऊपर जो भी लोग पोजिशन लेके गए थे वो प्रॉफिट को जरूर बुक करें. प्रॉफिट बुकिंग का ही जोन है. बट मार्केट ज्यादा से ज्यादा मार्केट अगर नीचे आती है तो हो सकता है कल का जो लो है कल के लो को टेस्ट कर सकती है कल की क्लोजिंग के आसपास का. तो दिस कुड बी अ टेस्टिंग फैक्टर. इफ इट कम्स अराउंड 970-980 लेवल ये बहुत अच्छा बाइंग बनेंगे हमें. बट वी विल वॉच कि बाजार में
बाइंग होगी नेक्स्ट हाफ में या सेलिंग होगी, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, फुल ऑन प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो कल लेके गए थे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो आप लोग भी अगर कोई भी कुछ भी लेके गया था तो यू मस्ट कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स, ठीक है। अभी 950 के आसपास हम हो सकता है ये जो कल का जो गैप फिल किया है, इस गैप को सपोर्ट अगर बन जाता है तो फिर बाजार यहाँ से ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। सुबह सुबह का खेल है बाइंग। कल से मैंने एक और स्टडी स्टार्ट कर दी है गाइस, मैं आपको बता दूं, और विच वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्टडी, ठीक है। कल आई प्रेडिक्टेड फॉर द बिटकॉइन, बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग अराउंड 19,720, सो आई हैड अ क्लियर मूव। मैंने किसी को टेक्स्ट भी भेजा था, आई कैन सेंड यू दैट ऑन अपना जो ग्रुप है, हमारा पेड ग्रुप है, उसमें आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। और उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली कल बोला था कि ये 20,225-250 के ऊपर बिटकॉइन चला जाएगा, एंड इट वेंट बिजार, मतलब कल के कल में $1,000 बिटकॉइन तेज हुआ। लेट मी शेयर द स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में, जरूर देखिएगा। और अभी बाजार में बाइंग चालू होगी गाइस, जितनी भी सेलिंग अभी तक मार्केट में हुई थी मॉर्निंग में, सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है, सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है। गुड मॉर्निंग सर, मार्केट 16,020 के लेवल पे, यस गुड मॉर्निंग, बाजार 16,020 के लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छी खासी बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे अगर किसी को स्टॉपलॉस अगर करना है, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टॉपलॉस आगे अगर कैरी करना है तो 16,020 बहुत छोटा सा लेवल है, इसके आसपास में बहुत अच्छी बाइंग एक्युमुलेट होती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 16,030 के ऊपर भी बाजार निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और 30 के ऊपर निकलते ही अगला मिनट डिसाइड करेगा। फुल ऑन बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। वी आर वॉचिंग दिस मार्केट टिक बाई टिक, और इतना आसान नहीं है मार्केट को टिक बाई टिक वॉच करना, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, स्टिल वी आर डूइंग इट। अभी जितनी बाइंग हुई, बाइंग जितनी सेलिंग हुई थी उसको बाइंग ने अब्सॉर्ब किया है पूरा, ठीक है। और अब देखना होगा नेक्स्ट मूव क्या बनेगी यहाँ पे बाजार की। और जैसे सिग्नल मार्केट में आ रहे हैं, वो सिग्नल ये है कि बाजार को नीचे नहीं जाने दिया जाएगा शायद, राइट। नीचे ज्यादा से ज्यादा बाजार 979-980 के आसपास को टच करेगा, तो वहां से एक्स्ट्रा बाइंग आएगी, वहां से बाइंग बाउंस करेगी, तो एनी प्रॉफिट बुकिंग विल बी अ री एंट्री टाइम फॉर द मार्केट्स। अभी बाजार में एक अच्छा खासा बिल्डअप बन रहा है और नीचे के लेवल पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। व्हेन यू सी अ शॉर्ट कवरिंग ऑन लोअर साइड्स, तो यहां पे एक अच्छा खासा सेल, प्लीज बी विद द मार्केट्स, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग साइंस, तो बी रेडी कि बाजार में कभी भी किसी भी क्षण एक बाइंग इमर्ज हो सकती है। दीपक जी अच्छा वाला निकल गया सुबह सुबह, प्रॉफिट बुक किया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लालच बुरी वाला है सर, कैलकुलेटेड लालच अच्छी वाला है ना, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत चाहिए आपको, हमेशा लेना चाहिए सर जी, जो मिला अपना, बाकी सब तो सपना ही है ना। करेक्ट। तो हमें अभी बाजार में फिलहाल फिलहाल एक सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। सेलिंग कहां तक आ सकती है वो इम्पोर्टेंट है, सेलिंग जो है वो हमारी 970-980 के आसपास आती है, 980 के आसपास वो आ चुकी है, ठीक है। तो 970 के आसपास अगर आती है तो फिर 950 के स्टॉप लॉस के हिसाब से, कल के इस क्लोजिंग के हिसाब से फिर पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस देखिए 1440 खुला था, वापस 1420 आ गया, हर तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इन्फोसिस भी 1440 के आसपास में था, वापस 1425 आ गया, इसमें मतलब हर काउंटर पे प्रॉफिट बुकिंग है। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो एवरी अराउंड एवरी कॉर्नर वी आर सीइंग प्रॉफिट बुकिंग व्हिच इज हैपनिंग ऑल अराउंड द कॉर्नर। AU बैंक इट वाज 555, इट इज 545 जो कल हमने लगा के रखा था। सब कुछ गिर रहा है, तो जब सब कुछ गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पोजीशंस थोड़ी सी टाइट हैं, बट आपको नीचे में सपोर्ट मजबूत होते दिखाई दें, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो अब हम यही देखने की कोशिश करेंगे नीचे के सपोर्ट कहां मजबूत हो रहे हैं। 950 के नीचे, 950 के नीचे निकलेगा बाजार तो एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी, ध्यान रखना 950 के नीचे। तो 950 इज द साइकोलॉजिकल लेवल, 950 पे आपने स्टॉप लॉस लगाए, लगने दीजिए, कटता है कटने दीजिए। मार्केट में छोटे मोटे स्टॉप लॉस दे देंगे तो बड़े लॉस से बच जाएंगे। यस, 950 इज सपोर्ट, अभी भी सपोर्ट है, तो सपोर्ट के नीचे जो जा रहा है वो बाउंस कर रहा है वापस, ठीक है। अब व्हाट इज दैट वी लर्नड, व्हाट वाज द लर्निंग, लर्निंग फॉर द डे इज यहाँ पे जब हमने, मैंने आपको हैक एंड शेयर सेटअप क्यों दिया, सिर्फ इसलिए दिया ताकि अगर आप इंडिकेटर बेस काम कर रहे हैं या ऑप्शन चेन नहीं समझ में आती है, तो व्हाट इज दैट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, जो सबसे सिंपल चीज क्या है, दैट इज हैक एंड शेयर, ठीक है। हमें बाजार में एक सेलिंग मिला, हमें यहाँ पे सेलिंग का एक कैंडल हमें, ये नॉर्मल कैंडल, लेफ्ट में नॉर्मल कैंडल्स हैं, राइट में एक मिनट का चार्ट निफ्टी का, ये एक मिनट का चार्ट ये निफ्टी का, ठीक है, ओके।
सो यहाँ पे कहानी क्या निकल के आई, कहानी ये निकल के आई कि हमको लग रहा था कि बाजार शायद गिरेगा, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हुई, उसके बाद रेड कैंडल बनना शुरू हुई। ऐसे तो होता है ना, डॉजी हो गया, रेड कैंडल हो गया, अगेन इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन डॉजी, करेक्ट, फिर फॉलोड बाय अ गुड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो कम से कम तीन चार कैंडल में, किसी कैंडल में तो आपका मन करेगा ना डरने का कि हाँ बाजार से निकलना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन चेंज मालूम है ठीक है, नहीं मालूम तो कम से कम अगर इसके ऊपर भी काम करना है, एंड इफ दैट इज कंफर्म्ड विद हेकिनेसी रेड सिग्नल, देन इट इज गुड टू सेल एन अप मूव वेयर यू गॉट अ बंच ऑफ डॉजीज एंड देन यू गेट अ सिग्नल बाय हेकिनेसी, कीप दिस एज स्टॉप लॉस शॉर्ट हेयर, 980 पे बेचा, स्टॉप लॉस 985, 5 रुपया स्टॉप लॉस, just 5 rupees stop loss. Ab uske baad mein aapko you got this candle again, but when you know okay this is the resistance, we are not trusting this candle, this is a bluff candle, okay, agar wo nahi samajh mein aa raha, bluff nahi samajh mein aa raha, to yahan pe position ko exit karke re-entry, a trader has to re-enter the trade again, he cannot choose the trades, he has to trade full day, that is a trader, either you are a swing trader or you are a positional trader. Positional ho to aap nifty dekhoge, swing targets dekhoge, uska leke baithoge ya bech ke baithoge bas. If you are an intraday trader, you are continuing your trades. यहाँ पे दो ट्रेड आपके भाव के भाव कट गए, दलाली खर्चा निकल गया, दो चार पॉइंट का लॉस भी हो गया, ठीक है। Now look at this, it is falling like a pack of cards, no? तो जितनी भी स्ट्रेंथ मार्केट में ऊपर बनी थी, ये सारी की सारी स्ट्रेंथ अब वीक होना शुरू हो गई है। I have a very strong feeling that Monday Nifty can hit again 250 plus. We can take BTS, sir. BTS. मार्केट के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग अभी तक चालू नहीं हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप ही चल रहा है, और आज पूरे दिन का जो लॉन्ग बिल्डअप है ना, ये बहुत गट फीलिंग वापस से मार्केट को 16,250-300 की तरफ लेके जाने वाली बात हो रही है, राइट। और जैसा ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जो एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है ना, सॉरी, दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज समथिंग अमेजिंग।